आप में से ज्यादातर लोगों को यह बात जरूर पता होगी कि जब से इंसान ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है तब से वह अपने ही जैसी इंटेलिजेंट लाइफ की खोज में न जाने कितने प्रयास कर चुका है और कितने प्रयासों को कर रहा है। और आए दिन वो अंतरिक्ष में न जाने कितने ऐसे रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है और चाहता है कि किसी इंटेलिजेंट लाइफ द्वारा हमारे इन रेडियो सिग्नल्स का जवाब दिया जाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होगा जब एलियंस हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल्स का जवाब देंगे। तो पहला जवाब है कि अगर हमारे रेडियो सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट लाइफ को मिल भी गए और उन्होंने इसका जवाब दे दिया तो हम जहाँ तक होगा उसको समझने में ही इतना समय बर्बाद कर देंगे जितना कि उनके सिग्नल्स के जवाब में हमें भेजना चाहिए था। और इसका एक साधारण सा उदाहरण है 15 अगस्त 1977 में डीप स्पेस से आया हुआ एक रेडियो सिग्नल वाओ। हम अपनी आज की टेक्नोलॉजी से भी यह नहीं पता लगा पाए हैं कि इस सिग्नल में ऐसा क्या था। और इस सिग्नल्स जिन्हें हम रेडियो सिग्नल्स कहते हैं जरूरी नहीं कि ब्रह्मांड की हर एक सभ्यता इन्हीं रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करती हो, क्योंकि जो रेडियो सिग्नल हमारे पास आए हैं वो करोड़ों सालों का सफर तय कर आए हैं और जब तक वो हमारे पास पहुंचेंगे या अब तक जो सिग्नल हमारे पास पहुंच चुके हैं उनका जवाब देने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि अगर वो भी इंटेलिजेंट सभ्यता है तो ना जाने अब वो हमसे टेक्नोलॉजी में कितने करोड़ साल आगे होंगे। और अब शायद उन्होंने रेडियो सिग्नल्स का यूज करने के बजाय एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया होगा जो कि इससे कई गुना तेज हो, और अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो कि हम उन सिग्नल्स को पकड़कर ये जान सकें कि वो हमसे संपर्क करना चाहते भी हैं या नहीं। और उन रेडियो सिग्नल्स का जवाब देना हमारे लिए एक बेवकूफ़ी होगी क्योंकि हमारे रेडियो सिग्नल्स को भी करोड़ों सालों का सफ़र तय कर उनके पास पहुंचना होगा और शायद तब तक वह सभ्यता किसी न किसी वजह से अपना ठिकाना बदल चुकी होगी जो कि करोड़ों साल बाद पृथ्वी के साथ भी घटित होने वाला है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू के बारे में। एक बार आप ये अपने दिमाग में सोचिए कि एक इंटेलिजेंट लाइफ जो कि हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और उसके पास ब्रह्मांड में आए रेडियो सिग्नल्स को पढ़ने की टेक्नोलॉजी भी है, और यदि किसी ऐसी सभ्यता के पास हमारे रेडियो सिग्नल्स पहुंच जाते हैं तो शायद ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा। क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक इंटेलिजेंट लाइफ शांति पसंद हो, और अगर ये सिग्नल किसी गलत सभ्यता के हाथों में पड़ जाते हैं तो वह इनको पढ़कर पृथ्वी पर आ सकते हैं, शायद पृथ्वी पर उनका कब्जा भी हो सकता है। लेकिन यदि ये सिग्नल्स किसी ऐसी सभ्यता के पास पहुंचते हैं जो कि हमारी तरह अभी भी अंतरिक्ष की खोज में अपने शुरुआती चरण में हो तो ऐसी किसी सभ्यता से पृथ्वी के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अब तक हमें किसी ऐसे सिग्नल का जवाब नहीं मिला तो शायद एक रीजन यह भी हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन हमारे सिविलाइजेशन से संपर्क ना करना चाहती हो। इसके भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, वो जानेंगे अगले वीडियो में। हमें आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी तो जरूर मिली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ हमारे चैनल को ऐसे ही छोटे छोटे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।